अभी जैस्मिन सर्फ पे डांस कर रहा है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. और guys, अभी हम लोग का छुट्टी हो गया है, अभी तीन बज गए दोस्तों, तो तीन बजे छुट्टी हो जाता है हमारे स्कूल का। मैं जा रही हूँ, हम लोग छूट गए, अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे। तो अभी जा रहे हैं रूम पे मैम, और यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हो मैं क्यूट अच्छी तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पे ड्राइंग वगैरह किया हुआ है। ये LKG रूम है, और हम लोग अभी ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि रूम हम लोग का ऊपर है, और सबसे टॉप फ्लोर जो है वो हम लोग का, तो जाना पड़ेगा ऊपर। और यहाँ पे धूल साफ सफाई हो रहा है दोस्तों, तो एवरीडे साफ करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत धूल जमा रहता है स्कूल में। और ये है हॉल, हॉल भी पूरा साफ हो चुका है, और ये बढ़िया हॉल जहाँ पे एग्जाम हॉल, मीटिंग हॉल यहाँ पे है। और उसके बाद हम लोग को और भी ऊपर जब जाएंगे तो अपना रूम आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो ये है अपना रूम, तो यहाँ पे जितने भी वहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी रूम है टोटल 6 रूम्स है फॉर बोर्डिंग टीचर्स। तो अभी यहाँ पे पेरिस पे आ चुके हैं दोस्तों, बहुत अभी धूप निकला हुआ है, तो अभी धीरे धीरे विंटर ख़त्म हो रहा है, लगभग हो ही गया कि अभी हम लोग शॉर्ट में स्कूल गए थे और शॉर्ट में अभी बैठे हुए हैं ठंडी में, तो दो चार जैकेट पहनने से भी और भी ठंडा लग रहा था दोस्तों। तो फाइनली कुछ राहत मिला ठंडी से, अब धीरे धीरे फिर गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ मतलब ख़त्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो वैसे गर्मी भी परेशान करने वाले हैं, और मई जून जुलाई का जो गर्मी होता है वो तो पूछो ही मत दोस्तों, इतना गर्मी होता है पूरा पक जाता है शरीर। तो किसी इस दुनिया में किसी भी चीज़ से कभी कोई खुश नहीं रहता है, कभी जब ठंडी रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि गर्मी कब आएगा, फिर गर्मी आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं फिर ठंडी कब आएगा, और कभी हम लोग को सुकून कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू जो है कितना बढ़िया व्यू है, खुली खुली आसमान और चारों तरफ हरियाली, आप देख सकते हो हरा हरा खेत, देखिए पूरा हरा भरा, बहुत सुकून फील होता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है पेरिस में। तो इधर साइड जाएंगे तो जलालपुर पहुँचेंगे, और इधर साइड जाएंगे तो बसखारी, देखिए वहाँ पे तालाब आप लोग को दिखाई दे रहा है होगा, तालाब देखिए, ये देखिए तालाब, यहाँ पे बहुत सारा मछली होता है यहाँ पे। अभी बहुत थकान महसूस हो रहा है कि सुबह से बच्चों को पढ़ाना क्लास में और चिल्लाना रहता है, आई एम टू मच टायर्ड टुडे, सो आई एम गोइंग टू रिफ्रेश माई सेल्फ दोस्तों। और आप लोग को एक नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों कि देखिए कितना अच्छे से वहाँ पे ये सरसों का फूल यहाँ से दिखाई दे रहा है, सरसों का फ्लावर। तो गाइस आने के बाद बहुत सारे काम होता है हमारा, तो अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई क्या कर रहा है, और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोग के लिए दोस्तों। तो अभी हमारे सिद्धांत सर का भी
घुटने पे वो फोड़ा निकला है, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग के उधर, पीलो बोलते हैं, तो पीलो निकले यहाँ हम सीतन सर अभी पीलो अलग साफ उल तीर हेन उल के भर्खर सर जो सर बाय बाय। अरे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे घोड़ा निकला है, यहाँ पे देखिए। अरे बाप रे ये क्या है दोस्तों, आप लोग के यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको आप बताइएगा, कहीं दिखाओ दो। ये देखिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए ये फोड़ा, आप लोग फोड़ा बोलते होंगे। यहाँ सिद्धन सर का हालत खराब है, वो चल भी नहीं पा रहा है बहुत ज्यादा, उसको दिक्कत हो रहा है दोस्तों। तो जब कभी भी ऐसे फोड़ा निकल आता है तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो बहुत इतना दर्द होता है ना दोस्तों, ये वाला बहुत दर्द दिलाता है ये वाला जो फोड़ा है जो है। और हमारे उधर पीलो बोलते हैं, तो हमारे तीर इस पीलो भाषा, तर यहाँ हिंदी में के भाषा तो ठाई छेन मैं, तब भाला कमेंट करें कि अंत आप लोग बोल दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। और अभी अंदर जैसे यहाँ देखिए आते ही जैस्मिन पढ़ना शुरू कर देती है, तो ऐसे ही सभी लोगों को पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। देखिए कितना अच्छी बच्ची है, गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल एंड शी इज स्टडिंग एंड शी इज डूइंग हर होमवर्क आल्सो, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। लुक एट हियर, गुड गर्ल।